upgrade your living with Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower. गुनाह केवल इतना था कि वह हिंदूवादी बजरंग दल का कार्यकर्ता था और हिंदू घर में उसने जन्म लिया था। कर्नाटकात हिजाबवरून घडलेल्या घटनेचा निषेध बजरंग दलचा युवा कार्यकर्ता हर्षा करत होता, परंतु त्याच वेळी जिहादी यांच्याकडून त्याची क्रूर हत्या करण्यात आली। या सगळ्या गोष्टीचा निषेध म्हणून संपूर्ण भारतभर आंदोलन पाहायला मिळत आहेत। विश्व हिंदू परिषदेकडून तीव्र स्वरूपाची निषेध आंदोलन दर्शविली जात आहेत। आज नवी मुंबई वाशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यांच्याकडून आंदोलन करण्यात आले। मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी करत हर्षा यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली। या आंदोलनाला जिल्हा मंत्री लाल मलिक, बजरंग दल जिल्हा संयोजक देवेंद्र घोसाळकर यांच्या समवेत विश्व हिंदू परिषदेचे सर्व कार्यकर्ते उपस्थित होते। हर्षा जी की 23 वर्ष के तरुण युवक, जिनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र तो थी ही, लेकिन साथ में वो धर्म का काम, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का काम कोई पगार लेके कोई करता नहीं है, ये धर्म का काम है। जो व्यक्ति, जिसको अपने सनातन धर्म से प्रेम है या जिसको इस भारतीय संस्कृति से प्रेम है, ऐसे लाखों कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद में है, उसमें से हर्षा एक था। 23 साल की उम्र में आजकल के बच्चे देखिए कि वो क्या क्या नहीं करते, लेकिन हर्षा धर्म के लिए गया। हर्षा ने अगर अपना बलिदान दिया तो सनातन हिंदू धर्म के लिए दिया, और ऐसे बहुत सारे हर्षा हैं, लेकिन अभी कोई हर्षा बलिदान देगा नहीं। ऐसे निषेध के कार्यक्रम और हर्षा को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहे हैं। कल भी हुए थे, लगभग 4,500 के करीब कार्यक्रम, ऐसा मुझे पता चला कि देश भर में हुए हैं। हमारी मांग है कि हर्षा जी के मर्डर में जो 6 कुत्ते पकड़े गए हैं, जिहादी कुत्ते, उन सारे कुत्तों को केवल, या अगर किसी को अच्छा नहीं लगे तो वही है, उनकी आप पैदाइश देखिए, एक एक आदमी 10-10 बच्चे पैदा करता है, बाद में अगर कोई धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए कोई काम करता है तो उसका ऐसे हत्या की जाती है। तो ऐसे लोगों को, जो 6 जिहादी पकड़े गए हैं, उनको सख्त से सख्त सजा हो, सजा नहीं सीधा फांसी पर चढ़ाना चाहिए, और अगर संभव हो तो उनका एनकाउंटर पुलिस ने कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की इस मेरी भारत माँ की भूमि पे उसकी आवश्यकता नहीं है। हर्ष की जो हत्या हुई कर्नाटक में, निर्गुण हत्या हुई, उसके निषेध में आज वाशी में बजरंग दल, RSS, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने एक निषेध के लिए, इस गवर्नमेंट का ध्यान जाने के लिए, पुलिस यंत्रणों के लिए, उसको ध्यान जाने के लिए ये आज का हमने आंदोलन छेड़ा है। मैं आपके माध्यम से पूरे जनता को कहता हूँ कि राष्ट्र हित में काम कीजिए। अब डीजल का भाव क्या हो गया, कांदे का भाव क्या हो गया, इस भाव में मत पड़िए। राष्ट्र को बचाना है, आपके भविष्य को बचाना है। अगर आपके भविष्य को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, तो मोदी को साथ दीजिए, हमारे साथ आइए, हम लोग राष्ट्र बचाने के लिए निकले हैं। बजरंग दल वाले, उनका काम ही है कि राष्ट्र को बचाना है, और इसी बचाते बचाते ऐसे हर्ष जैसे लड़के का निर्गुण हत्या हो जाता है, और उसके अगेंस्ट हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा, पूरे भारत में खड़ा होना पड़ेगा, तब तो हम हिंदू राष्ट्र कहलाएंगे। इसके लिए सबको विनती करता हूँ आपके माध्यम से कि राष्ट्रहित जपने के लिए हमको सबको एक होना पड़ेगा। ऐसी हत्याओं को कैसे रोका जाएगा, उसका नियोजन कराना पड़ेगा, और इसीलिए जो आज का जो बजरंग दल, RSS, हम लोग ने आज का जो आंदोलन छेड़ा है, वो इस गवर्नमेंट को नींद से उठाने के लिए किया है, इस पुलिस यंत्रणा को जागाने के लिए किया है कि जगह जगह पे, जा जा पे अल्पसंख्यक का संख्या है, वहाँ वहाँ पे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो रही है,
बहुत बड़ी एरिया उनके बढ़ते बढ़ाते जा रही है। उनका काम ही है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना उनका काम है, लेकिन हिंदुस्तान को अखंड हिंदुस्तान रखना ये हमारा काम है। इसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा। इसके लिए आज का आंदोलन। नवी मुंबई आवाज आता लोणावळा मावळ मध्ये। प्रेक्षकांच्या आशीर्वादाने नवी मुंबई उरण पनवेल नंतर आता लोणावळा मावळ पर्यंत पोहोचले नवी मुंबई आवाज। लोणावळा मावळ प्रांतातील घडामोडी आता नवी मुंबई आवाज वर पाहता येणार। नवी मुंबई पनवेल उरण आणि आता लोणावळ्यातही नंबर वन चॅनल नवी मुंबई आवाज चॅनल। नवी मुंबई आवाज चॅनल आपण पाहू शकता डेन एरॉन केबल चॅनल नंबर 192, डेन सुप्रीम चॅनल नंबर 819, GTPL चॅनल नंबर 783 आणि BR केबल्स वर चॅनल नंबर 255, DSN लोणावळा चॅनल नंबर 890। नवी मुंबई आवाज, आपली आवाज।